ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन में सभी प्राइवेट स्कूल बसों के ड्राइवर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें ट्रैफिक कानून के तहत हिदायतें दी गई। डीएसपी योगेश दत्त जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पिछले दिनों नूरपुर में स्कूल बस हादसे में नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन समाप्त हो गया, उस पर वे शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि जो चालक कानून का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके चालान भी काटे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये शोक करना चाहता हूँ कि नूरपुर में जो हादसा हुआ है बड़ा दुखद हादसा हुआ है। हमारे समझाने के बावजूद, बार बार समझाने के बावजूद अवहेलना होती है ट्रैफिक नियमों की। हम समय समय पर डीजी ऑफिस से अलग अलग प्रकार की सुझाव आते हैं जो हम आम जनता को समझाते हैं, लेकिन फिर भी अवहेलना की जाती है। एसपी साहब से हमें, डीजी साहब से आई थी इन्फॉर्मेशंस, तो हमने वो कन्वे कर दी है। प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में, जो स्कूल बसेस हैं उनके बारे में विशेषकर विशेष हिदायतें दी गई थी, जो हम समय समय पर स्कूल प्रशासन को, ड्राइवर्स को देते रहते हैं। अभियान भी चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसका कुछ फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। फिर भी हम अब थोड़ा स्टर्न एक्शंस लेने जा रहे हैं, जिसमें इनके चालान किए जाएंगे, जागरूक भी किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।